नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। पिछले दिनों पूरे देश में दुर्गा पूजा का बहुत धूमधाम के साथ आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ, जिसे बहुत उल्लास के साथ मनाया गया। यहां कई जगहों पर डांडिया नाइट्स का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों की काफी भीड़ हो गई थी। ऐसे ही लखनऊ के बंगाली क्लब में भी दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन किया गया। बंगाली क्लब दुर्गा पूजा पंडाल में 100 साल से ज्यादा समय से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि 1914 में यहां दुर्गा पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। ये पंडाल शहर के पुराने दुर्गा पूजा पंडालों में से एक है, जिसमें चंडी पाठ से पूजा का आरंभ होता है और इसके बाद दर्शन के लिए 3 दिन श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। ढाक, नृत्य और प्रसाद वितरण के बाद विजयदशमी के दिन महिलाएं यहां सिंदूर खेला करती हैं। इसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां से अपने पति के दीर्घायु का आशीर्वाद लेती हैं। उसके बाद माता का विसर्जन करके उनको अंतिम विदाई दी जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि बंगाली क्लब कमेटी की मेंबर बबीता सिंह ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। जी, क्या कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित है? माँ के सिंदूर खेला हो रहा है। तो सिंदूर खेला इसलिए होता है, माँ जो है ये 9 दिन मायके में आते हैं। तो इसमें जो है जैसे लड़कियाँ मायके में जाते हैं, लड़कियों को आह्वान किया जाता है, उनकी सेवा किया जाता है। इसलिए माँ को भी हम लोग ये 9 दिन उनकी पूजा करके उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और सिंदूर खेला के नियम ये होता है कि मतलब जितना महिला है ये माँ की सिंदूर हम लोग छुआ के हम लोग एक दूसरे की मांग में सिंदूर भर के अपनी मंगल मतलब सुहाग की मंगल। कमेटी का क्या नाम है? आप क्या हैं कमेटी में? सर मेंबर। आपका क्या नाम है? पॉपुलरी। किस तरह का कार्यक्रम रहा आज का? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था क्या चल रही है? सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है तो इस कमेटी में आप क्या हैं? ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।